डिलीवर आया, लेकिन हमारे दोस्त संसद रेलवे किचन में प्रचार में आने वाला था, लेकिन नहीं आ पाया था। भी शूटिंग आके बाबा तू हमारी मुलाकात हुई थी गणपति के लिए, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है, गाइड भी दिया फिल्म के बारे में। और मैं और रवि किशन मेरे ख्याल से 15-16 फिल्में साथ में थी, पुराने 25-30 साल पुराने दोस्त और गोरखपुर काफ़ी साथ में दिखा और बहुत अच्छा उन्होंने कहा अच्छा लगा। मुझे गोरखपुर आके देखा, मैंने काफ़ी घुमा ली। मुझे उम्मीद है कि रवि किशन और अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छे इंसान हैं और जो दिल में उनके होता है वो करते हैं। लोगों को नहीं पता वो अंदर से खर्चे की तरह है, बहुत भाव के इंसान। हमारा उनका काम बहुत वालीबाद है, खुशी है। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा एमपी मिलेगा, तो अच्छा है। और हमारी फिल्म आज रिलीज है, उनकी भी शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फिल्म चले। बहुत मेहनत से बनाई फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और एक भोजपुरी में टिकट को दिशा देने की कोशिश किया है और हमारी फिल्म मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है। डीवीआर जैसे नेशनल चैनल में हमारी फिल्म को लगाना आने का आज तक भी भोजपुरी लगी नहीं है। ये पिक्चर लगा है, इससे आगे दूसरों को ये बेनिफिट हो जाएगा, वो भी भोजपुरी में लगा सकते हैं। और मेरे ख्याल से 12-5 का शो है जिसमें 250 सीट है, मेरे ख्याल से 170 टिकट मल्टीप्लेक्स में भी कटे हैं। अच्छा उम्मीद कर सकते हैं अच्छी तरह। अच्छा बहुत सारी जो भोजपुरी की फिल्में अभी भी बन रही है तो उसमें ये है कि बस मतलब अराजकता वाले माहौल को ज़्यादा दिखा दिया जा रहा है, इससे आपको नहीं लगता है कि यूपी बिहार में कुछ छवि खराब होने वाली बात हो? अब तो एक समय आ गया है कि कानून व्यवस्था में कहीं कहीं कुछ सुधार है, चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा तो माहौल बदला ही है। लेकिन भोजपुरी फिल्मों को देखने के बाद लगता है कि जैसे अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब अराजकता है। जी आपने सही कहा, लेकिन आपको वो सारे जो आपको कमियाँ दिख रही थी इस पिक्चर में आपको नहीं दिखे। यहाँ प्रशासन को मजबूत दिखा है कि प्रशासन चाले तो कोई एरिया में क्राइम नहीं कर सकता, इसलिए इस फिल्म में प्रशासन क्राइम के ऊपर है, किसी का नहीं छोड़ता, वो सीधा अपना काम कानून के तहत काम करता है। गुंडा फिल्म की हमारी यही कहानी है और लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा वाकई में एक सच्ची एक रियल कहानी चल रही है। लोकेशन फ्रेश है, गाने अच्छे हैं, आर्टिस्ट सभी मजे हुए हैं। विनोद यादव की पहली फिल्म है, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है और इनको हमने लॉन्च किया है और आगे 3 फिल्में हम साथ में कर रहे हैं। आपको लगेगा कि यार एक इनोसेंट आदमी ये कैसे गुंडा बना है, क्या हालात रहा है, क्या सिचुएशन रहा, किसी हिसाब से होती है। ये लीड उनकी कहा है, दो लीड है, मैं हूँ, एक विनोद यादव है, दोनों लीड कर रहे हैं। ऐसा कॉप आपने जो है कुछ इंकाउंटर वगैरह किए हैं? जी 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 थोड़ा वो फिल्म में आपने थोड़ा दिखेगा। आप कहाँ रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर जिले का ही रहने वाला हूँ, मतलब तुलसी रतन गाँव पड़ता है, खजरी क्षेत्र पड़ता है। अच्छा खजरी। जी जी तो इनकी पहले ये डेब्यू किया है? विनोद जी की पहली फिल्म है। मुझे लग रहा है बतौर निर्माता आपकी फिल्म होनी चाहिए। पांडू में भी मैं था, उसमें दो प्रोड्यूसर था, पैसे नहीं था फिल्म में, तो बहुत पैसे थे, लेकिन क्या है फुल प्लेस पहली फिल्म। इनको कैसे सेलेक्ट किया था? आप प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं, ऐसे मुलाकात है। हमारे गुंडा में आप देखोगे बहुत ऐसे एक्टर हैं जो कभी दिन में कैमरा फेस नहीं किया है, डेब्यूटेड हैं, बहुत लोगों ने काम किया अपने बनारस में। आप जब फिल्म देखोगे आपको बहुत चेहरे ऐसे नजर आएंगे जो मेजर रोल का। यादव जी आपने कैसे अप्रोच किया? मतलब आपको पहले से? नहीं, मैं मुंबई घूमने गया था।
करोड़ रुपए की पिक्चर बनी है, 1 करोड़ 32 लाख रुपए की, और जिसमें तो दांव खेला गया, मैं टाइटल रोल पर मैं लीड डायरेक्टर हूँ, और इसमें हम उसमें इन्हें भरोसा दिया सर ने और सिखाया, उसमें ईमानदारी से मैंने किया, 4 महीने हर स्टेप पर बताते रहे ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, जब मैंने कैमरा फेस किया 4 पहले ऑफ कैमरा ट्रेनिंग दी गई, मतलब बता स्टेप बता रहे थे कि हाइट ऐसे करनी है और एक्टिंग को नेचुरल रखनी है, फीलिंग नेचुरल आनी है, तो सब चीज़ें स्टेप तो बताते रहे, मैं उसको फील करता रहा था। कुछ नर्वसनेस फील नहीं हुई आपको कि नर्वस? नहीं कभी नहीं, बस एक चीज़ सर की पकड़ के चला कि एक्टिंग नेचुरल होती है, एक्टिंग एक्टिंग नहीं की जाती है, माँ के साथ माँ की फीलिंग लानी है, भगवान के साथ भगवान की फीलिंग लानी है, गर्लफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड की फीलिंग लानी है, और उसको आप फील कर लेते तो फिर सर और वही कैमरे के सामने रखना है, तो कैमरे से डरना नहीं है। अपोजिट कौन है यार जी? अंजना सिंह सुपरस्टार जो 100 फिल्में कर चुकी है भोजपुरी में, ये शायद। सिकंदर जी, आपने फिल्म इस फिल्म में पुलिस वाले का किरदार किया है, इस किरदार को निभाने के लिए आपने क्या तैयारी की थी? क्योंकि फिल्म का पुलिस वाले का जो किरदार होता है काफ़ी पेचीदा होता है, इस किरदार को निभाने के लिए आपने कोई तैयारी की थी? दिख रहे घंटी को दबाओ और बिंदास भोजपुरिया की बिंदास खबरें पाओ।